अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम MGT 301 का टॉपिक नंबर 14 एंड 14 to 16 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है, जो पहले हमने स्टडी की है, उससे कुछ न्यू डेफिनेशन जो है वो भी हम स्टडी करेंगे। डेफिनेशन अच्छे से समझते जाए, इन डेफिनेशन की बेस पे आप सारी बुक अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले जो डेफिनेशन हमारे सामने है वो इटसेल्फ जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या चीज है। इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस। जो रेड में वर्ड मैं आपको बताता हूँ, आर्ट मीन्स स्किल्स होती है, स्किल्स, और साइंस मीन्स नॉलेज, नॉलेज ऑन सम सब्जेक्ट। तो ये कह रहा है कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो आर्ट, स्किल्स है और नॉलेज है। किसका? चूजिंग टारगेट मार्केट, टारगेट मार्केट चूज करने का नॉलेज है और स्किल्स है मार्केटिंग मैनेजमेंट। और रिलेशनशिप बनाना है, प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद देम इन मार्केटिंग, टारगेट मार्केट्स के साथ। टारगेट मार्केट में क्या होते हैं? कस्टमर। तो प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाना है कस्टमर्स के साथ, तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट है। टारगेट मार्केट चूज करना और वहां के कस्टमर के साथ एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाना मार्केटिंग मैनेजमेंट है। आगे चलते हैं। दो क्वेश्चन जो हैं, जब मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उसमें दो क्वेश्चन सबसे पहले सामने आते हैं, या कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो दो आपके पास सामने क्वेश्चन आते हैं कि आपने किस तरह के कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट सेल करना है। वो कस्टमर जो आप जिनको प्रोडक्ट सेल करेंगे वो आपके लिए टारगेट मार्केट है। जैसे कि अगर आप गारमेंट्स की शॉप डालते हैं तो आप सिर्फ बच्चों के गारमेंट्स रखते हैं, उसमें जो ओल्ड एजड हैं या जो यंग हैं उनके नहीं रखते आप। अब जैसे आप कहते हैं कि मैं 1 से लेकर 3 साल के बच्चों तक के मैं सिर्फ गारमेंट्स रखूंगा, तो ये 1 से 3 साल के जो एज के बच्चे हैं वो आपके लिए टारगेट मार्केट है। हाउ कैन वी बेस्ट, सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन वी बेस्ट सर्व दीज कस्टमर्स। किस तरह आप कस्टमर को बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं, किस तरह आपका प्रोडक्ट उनको बेहतर तरीके से उनको सेटिस्फाई कर सकता है, इसको कहते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन। ठीक है, अच्छा जी। आगे है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप, जैसे आप किसी के साथ जब रिलेशन बनाते हैं, आपकी जब आप किसी फ्रेंड के साथ रिलेशन बना लेते हैं, तो कहा जाता है ना कि रिलेशन बनाना आसान है, उसको मेंटेन करना या उसको निभाना मुश्किल है। तो ये उसके ऊपर है, कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप आपका बना हुआ है उसको मैनेज कैसे करना आपने, ये उसके ऊपर है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। जैसे हमने पीछे देखा, रिलेशनशिप बन गया, उसको मेंटेन कैसे करना है। मेंटेन, देखे ना, आप अगर कोई फ्रेंड है, आप उसे मिलते रहेंगे, इन टच रहेंगे, तो वो आपके काम आ सकता है, आप उसके काम आ सकते हैं। अगर आप साल बाद 2 साल बाद उसको फोन करते हैं तो वो भी दिल में सोचता है कि यार आज लगता है इसको काम है तो मुझे फोन कर लिया। तो ऐसा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। डेली बेसिस पे जो है ना रिलेशनशिप होगा तो वो उसका फायदा होगा। बाय डिलीवरी सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। वैल्यू का आपको मैंने पहले वीडियोज में बताया था कि वैल्यू का मतलब हमेशा आपके जहन में आ जाना चाहिए कि प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चरर है, उसके लिए वैल्यू जो है वो आपका उसका प्रोडक्ट है, और जो कस्टमर है उसके लिए जो उसकी रकम है जो वो मैन्युफैक्चरर के लिए वो वैल्यू है। इसके इस तरह कह लें कि मैन्युफैक्चरर का जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के लिए वैल्यू है, और जो इसके पास रकम है कस्टमर के पास वो मैन्युफैक्चरर के लिए वैल्यू है। तो सुपीरियर कस्टमर वैल्यू का मतलब कि एक होता है एक्सपेक्टेशन किसी भी प्रोडक्ट से, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन है। जैसे फर्ज कर मैं एक लिखने वाला पेन लेता हूँ मार्केट से, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा लिखे पेन। अच्छा, वो जब एक पेन अच्छा लिखने वाला मैं लेता हूँ तो अगर उसके साथ वो मुझे छोटी सी टार्च भी लगा के दे देता है, जैसे चाइना के आजकल पेन आ रहे हैं इसके दूसरी साइड पर टार्च है, तो सुपीरियर कस्टमर वैल्यू मैंने उसको दे दी। मतलब वो जो सोच रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन से एक चीज ज्यादा दे दी मैंने उसको। ठीक है, एंड सेटिस्फेक्शन, और ऐसा प्रोडक्ट दे रहा है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। बिल्डिंग मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, फिर क्या आप कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप है उसको आप मैनेज कैसे करना है। ठीक है, कि वो आपका रिलेशन मेंटेन कैसे करना चलता रहे, उसका अंदाजा कैसे आप करेंगे कि वो कस्टमर के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो कैसा चल रहा है। ठीक है, अच्छा, वो कि एक है कस्टमर, इसमें तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे। कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, एक तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन टोटल कस्टमर परसीव्ड बेनिफिट्स एंड कस्टमर कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, एक आप प्रोडक्ट मार्केट में दिया, आपके का एक कस्टमर ने खरीदा, उस कस्टमर ने उससे कुछ एक्सपेक्टेशन दी कि ये मेरे प्रोडक्ट जो है ये मेरी फलां वाली जरूरत जो पूरी कर देगा। ठीक है, ये वो परसीव्ड उसके जो जहन में एक था कि ये वाला मसला हल गया, वो परसीव्ड बेनिफिट कस्टमर के माइंड में, और एक कस्टमर की कॉस्ट भी है। ठीक है, जब हम
एक उसको पता कि ये मुझे, जैसे मैं एक पेन खरीदता हूँ तो मैं अगर 100 रुपीज का पेन लेता हूँ तो मुझे पता होगा कि यार ये जो पेन है मेरा जो इतने अरसा चलेगा, और ये मैं अच्छा पेन मैं लूंगा तो मेरे ना फला फला मौके पे काम आएगा। जैसे एक शो ऑफ करने के लिए मैं पॉकेट में लगाऊंगा, ये लिखने के लिए, ये सिग्नेचर के लिए ऑफिस में बैठ के करूंगा, तो ये परसीव्ड उसके बेनिफिट्स हैं। वो टार्च वाली जो मैंने एग्जाम्पल दी है तो वो एक्सीड कर रहा है उसकी परसीव्ड बेनिफिट्स को। अच्छा, जब हम किसी, फिर कस्टमर कॉस्ट उसके जरिए में कॉस्ट है। अब हम किसी चीज़ को सस्ता या महंगा तब कहते हैं, ऐसे नहीं है कि जी कोई 50 रुपए की चीज़ है तो हम कहेंगे ये सस्ती। नहीं, हम देखते हैं कि वो 50 रुपए में हमने क्या चीज़ ली है, जो किस तरह के बेनिफिट्स हम उसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, और अगर वो उससे एक्सीड कर जाता तो हम कहते हैं कि ये इसने ना सेटिस्फाई मुझे किया है, ठीक है। और अगर आप उससे ज्यादा बेनिफिट दे देते हो, आप डिलाइट होते हैं, हैप्पी हो जाते हैं कि वाह जी वाह, जबरदस्त। आप लोगों को बताते हैं कि ये बहुत, ये कस्टमर परसीव है लियो के प्रोडक्ट का, के बारे में कस्टमर का जो ख्याल है कि वो ऐसा प्रोडक्ट होगा, वो कस्टमर परसीव वैल्यू है। और कॉस्ट का डिफरेंस, ताकि वो बेनिफिट्स को कॉस्ट के साथ कंपेयर करके बताए सस्ता है महंगा है, सेटिस्फाई कर दिया या वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, ये कस्टमर परसीव वैल्यू है। एक नोटिस है कस्टमर, LL Bean कोई कंपनी है उसका नोटिस, कि वो कस्टमर रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करते हैं। वो आप नोटिस पढ़ेंगे कि लिख रहा है कि आई डू नॉट कंसीडर सेल कंप्लीट अंटिल गुड्स आर विद द वर्न आउट एंड कस्टमर स्टिल सेटिस्फाइड। कह रहे कि हम तब तक सेल को कंप्लीट नहीं समझते जब तक कस्टमर हमें सेटिस्फाइड हो, सेटिस्फाई होके हमें फीडबैक ना दे, ठीक है। अच्छा, फिर कहते हैं वी विल थैंक यू एनीवन टू रिटर्न गुड्स दैट आर नॉट परफेक्टली सेटिस्फाइड। अगर हमारा वो कस्टमर जो सेटिस्फाई नहीं हुआ हमारे प्रोडक्ट से, हमारे प्रोडक्ट को वापस कर दे, तो हम उसके लिए शुक्रगुजार होंगे। हालांकि पाकिस्तान में तो आप चीज वापस करने जाए तो आपसे नाराज होने लग जाएंगे। अच्छा, फिर कह रहे हैं शुड द पर्सन रीडिंग दिस नोटिस नो ऑफ एनी वन हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद आवर गुड्स, आई विल कंसिडर इट अ फेवर टू बी नोटिफाइड। कह रहा है कि ये जो मेरा नोटिस पढ़ रहा है वो किसी ऐसे बंदे को जानता है जिसने मेरा प्रोडक्ट यूज किया है, मेरी कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया और वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो उसका ही बता दे, हम उसके भी शुक्रगुजार होंगे। अबव ऑल थिंग वी विश टू अवॉइड हैविंग अ डिससेटिस्फाइड कस्टमर। कह रहा हम ना डिससेटिस्फाइड कस्टमर अफोर्ड ही नहीं करते। मतलब हम, इसका मतलब क्या होगा कि इसके कहने का मतलब कि डिससेटिस्फाइड जो कस्टमर है, हैप्पी कस्टमर जो है और कस्टमर लेके आता है, डिससेटिस्फाइड कस्टमर क्या होता है, पहले वाले कस्टमर को आपके भगा देता है। कैसे, वो लोगों को भी बताता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसको ना लेना। तो इस वजह से सेटिस्फाइड कस्टमर कंपनी को अवॉइड होते हैं। मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप में दूसरी चीज है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्या सेटिस्फेक्शन, मैं बारह आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर प्रोडक्ट के साथ जो बेनिफिट्स अटैच हैं और कस्टमर ने सोचे हुए थे ये मेरे फलां का फलां मसाइल का हल है वो प्रोडक्ट, और अगर वो प्रोडक्ट के मसाइल पूरे हो जाते हैं, वो आपकी वो मसाइल दूर कर देता है जब उसको परचेज करते हैं, एक्सपेक्टेशन के साथ मैच कर जाता है प्रोडक्ट, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसको कहते हैं। अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बात क्या हो रही है, मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप आप मेंटेन करना है या मैनेज करना है। वो कहते हैं बाहर वाली चीज है ठीक है, आप उसको सेटिस्फाई कर लो कस्टमर को, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्वॉल्व वर्किंग क्लोजली विद पार्टनर इन अदर कंपनी डिपार्टमेंट्स। कह रहे कि कंपनी की जो प्रोडक्ट बना रही है उसके जो एक तो प्रोडक्ट मार्केट में अंदर लेके आ रही है, ठीक है, जिसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बाकी कुछ डिपार्टमेंट कंपनी के अंदर बनाने वाले हैं, एक बना के दोनों ने देना ना। तो कह रहा है कि कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि आप अपने डिपार्टमेंट के साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन करें। वो कैसे, कि प्रोडक्ट मार्केट में अगर सेटिस्फाइड प्रोडक्ट लेके जाना, अच्छा प्रोडक्ट लेके आना, अगर आपकी कंपनी के अपने डिपार्टमेंट आपसे खुश होंगे तो आपको अच्छा फिनिश प्रोडक्ट मुहैया करेंगे, ठीक है। ये पार्टनर रिलेशनशिप अपने डिपार्टमेंट के साथ रिलेशनशिप है। अच्छा, ये तो था कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैनेज कैसे करना है, ठीक है, या मेंटेन कैसे करना है। कैप्चरिंग कस्टमर वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि कस्टमर के पास जो पैसा है, जो आपके प्रोडक्ट खरीदने के लिए उसके पास परचेजिंग की जो पावर है, वो पैसा कैसे, मतलब निकालना कैसे है आपके पास। ऐसे नहीं कि जेब से तो नहीं निकाल सकते ना, कस्टमर को सेटिस्फाई करके वो पैसा कैसे अपने कंपनी ने अपने पास लेके आ जाना, इसको कहते हैं कैप्चरिंग कस्टमर वैल्यू। अच्छा जी, अच्छा कैप्चरिंग कस्टमर वैल्यू में उसमें सेटिस्फेक्शन भी है कस्टमर की। देखिए ना, सेटिस्फाइड होगा, दूसरों को भी बताएगा कि प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग आपकी तरफ खींचे आएंगे। अच्छा, सबसे पहले इसमें कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, इज द वैल्यू ऑफ द डायर स्ट्रीम ऑफ परचेजेस दैट द कस्टमर वुड मेक ओवर अ लाइफ टाइम ऑफ पैट्रोनेज। इसका मतलब क्या है कि एक कस्टमर है वो जो पूरी लाइफ टाइम अपनी, या फॉर सपोज के वो 10 साल तक आपसे एक चीज खरीदता रहता है,
तो वो उसकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं 5 साल के लिए एक ही प्रोडक्ट कंपनी से खरीदता रहता हूँ, ये कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। इस वजह से वो कहते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है कस्टमर के साथ, कि ताकि कस्टमर अगर एक बार आपका प्रोडक्ट चूज करे, उसको सेटिस्फाइड कर लो, तो वो एक लंबे अरसे तक आपका कस्टमर रहे। इसको कहते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अच्छा, एक इसकी ना एग्जाम्पल है बुक के अंदर, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कस्टमर लाइफ टाइम को वैल्यू को, मैं एक्सप्लेन करने के लिए वो यहाँ पर बता देता हूँ। कि सपोज कि आप एक कस्टमर है, वो एक लिपस्टिक खरीदता है, ठीक है, लिपस्टिक खरीदता है, तो वो लिपस्टिक सपोज के 500 की है, और वो एक लिपस्टिक जो है ना सपोज के 1 महीने के अंदर खत्म करता है, तो साल में कितनी, 12 लिपस्टिक खत्म करेगा। ठीक है, अब वो कस्टमर कंपनी का रहता, कंपनी उसको मेंटेन कर लेती है, कस्टमर को रिटेन कर लेती है अपने पास, कस्टमर रखती है तकरीबन को 10 साल। ठीक है, 10 साल तक वो हर साल 12 लिपस्टिक लेता है, हर लिपस्टिक कितने की है, 500 की, तो साल में वो 6,000 रुपये कंपनी को देगा, 10 साल में कितने देगा, 60,000 रुपये। तो इस वजह से कहता है कि कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाओ, ताकि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, जो कस्टमर ने अपनी पूरी लाइफ जो लिपस्टिक यूज करनी है, जब ये लंबा अरसा आपकी वो प्रोडक्ट यूज करे, और वो 60,000 रुपये उससे आप निकलवाए, सिवाय कि आप एक लिपस्टिक उसको बेच ले जैसे भी है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं बेचा और वापस वो आए ना। आप ऐसे करें, प्रोडक्ट उसको अच्छा दे, सेटिस्फाई करें, और 10 साल तक आपका प्रोडक्ट खरीदे, 15 साल तक खरीदे, वो सारी चीजें मनी जो मल्टीप्लाई होती रहेगी आपके पास आती है। ये इसको कहते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अच्छा, शेयर ऑफ अ कस्टमर, आपने एक चीज देखी होगी कि पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इज द पोर्शन ऑफ द कस्टमर परचेजिंग दैट अ कंपनी गेट्स इन इट्स प्रोडक्ट्स कैटेगरी। मतलब जैसे मैं कस्टमर हूँ, मैं एक खास दुकान से मैं ना पैंट खरीदता हूँ, जैसे मैं डाइनर्स या आउटफिटर्स की एग्जाम्पल ले लूँ, मैं पैंट खरीदता हूँ, ठीक है, अब ये मेरा शेयर हो गया कंपनी में, मैं एक पैंट खरीदता हूँ। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि ये जितनी ब्रांड्स हैं, इन्होंने क्या शुरू किया है, जूते भी लगे होते हैं इनके पास, टाई भी लगी होती है, अंडरगार्मेंट्स भी लगे होते हैं, शर्ट्स भी लगी होती है, ब्लेजर भी लगे होते हैं, ठीक है, वो जो कैजुअल कोट होते हैं वो लगे होते हैं, ड्रेस पैंट कोट लगे होते हैं, ड्रेस शर्ट लगी होती है, हर चीज, टी शर्ट लगी होती है, हर चीज। इन्होंने क्या किया कि अगर कस्टमर को हम ये वाली जो हमने कस्टमर लाइफ टाइम वाली, अगर कस्टमर को बना लिया, फिर देखो कि वो हमारी सारी प्रोडक्ट लाइन है उसको परचेज करें, तो एक कस्टमर का उसके जो ब्रांड है जिसके हमने एग्जाम्पल ली, उसके जितने भी प्रोडक्ट्स पे वो पैसा खर्च करता है, उसको कहते हैं शेयर ऑफ अ कस्टमर। ठीक है, तो ये बढ़ाया जा सकता, कैसे बढ़ाया जा सकता है, कि अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई रखते हैं, इस वजह से जब आप इनके पास जाते हैं, बड़े अच्छे से आपको मिलते हैं, आप चेंज भी करने जाते हैं तो बड़े अच्छे से तरीके से आपको एक प्रोसीजर उन्होंने दिया हो, उसके मुताबिक आपको प्रोडक्ट तब्दील करके देते हैं, ठीक है, नंबर ले देते हैं, डिस्काउंट के बारे में बताते हैं, ये सारी चीजें। अब है कस्टमर इक्विटी, ये टोटल कंबाइंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जो हमने पहले पढ़ी, कि एक कस्टमर ने पूरी लाइफ में जो आपका एक प्रोडक्ट खरीदा, हर साल हर महीने खरीदता रहा, उसको सारे को सम अप करें। अच्छा, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ द कंपनी कस्टमर, एक कस्टमर की जमा करें, इसी तरह जितने भी कंपनी के कस्टमर्स हैं उन सबकी जमा करें, तो कंपनी के पास जो पैसा है ना उसको कहते हैं कस्टमर इक्विटी, या टोटल कस्टमर जो एक जैसे ब्रांड है सपोज कि मेरे सिटी में जो ब्रांड है उसके ऊपर जितने भी कस्टमर जा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में, ठीक है, जितना कस्टमर उन कस्टमर ने कंपनी को पे किया प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, वो कस्टमर इक्विटी है। इसकी एग्जांपल बड़े आसान तरीके से मैं आपको देख लेता हूँ, कि आप सपोज के गांव में रहते हैं, गांव में एक शॉप है रिटेल स्टोर, ठीक है, किराना स्टोर जिसको कहते हैं, वहां पे एक कस्टमर खरीदता है, ठीक है, सपोज कि वो चीनी खरीदता है, डेली चीनी खरीदता है, या दिन में 2 बार खरीदता है, महीने में 15 दिन उसने खरीदी, तो खरीदता रहा, तो ये उसकी, वो अगर दुकानदार उससे बड़े अच्छे तरीके से चलता है, तो ये उसकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होगी, वो एक प्रोडक्ट खरीदता रहता है, ठीक है, और इसने उस दुकान से जितनी भी चीजें खरीदी, फिर देखे ना, घी भी खरीदा होगा, चीनी की पत्ती भी खरीदी होगी, टी मतलब टी जो होता है, टी पत्ती भी खरीदी होगी, फिर बिस्किट वगैरह भी खरीदी, सारी चीजें खरीदी होंगी, ये हो गया शेयर ऑफ अ कस्टमर टू दैट शॉप, ठीक है, उसने सारे प्रोडक्ट जो खरीदे। अभी कस्टमर इक्विटी की बात करते हैं, ये एक कस्टमर का था, सपोज के एक कस्टमर थे ना, वो दुकानदार जो है ना साल में ना 5,000 रुपये कमाता है उस कस्टमर से, स्पेसिफिक कस्टमर से। अभी पूरे गांव के जो लोग हैं सपोज के 100 लोग ना उससे आके शॉपिंग करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट जो है ना वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो सपोज कि उनकी एवरेज जो है ना वो सबकी 5,000 बनती है, तो आप 100 कस्टमर को 5,000 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो वो जो
गांव है वो पूरा उससे क्या खरीद रहा है, 5 लाख की प्रोडक्ट्स सारे साल में उस शॉपकीपर से खरीद रहा है। तो ये जो कस्टमर 5 लाख रुपए ना, ये कस्टमर इक्विटी है उस दुकानदार की, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना सारी चीजें, जो ये जो डेफिनेशन थी मैं कोशिश की, बड़ी सिंपल तरीके से समझाने में समझ आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन है, हैंड आउट जरूर पढ़े। हैंड आउट्स के अंदर इंशाल्लाह जो मैंने बताया है, बड़े अच्छे आसान तरीके से लिखा भी हुआ उधर, आप उसको पढ़िएगा, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। और कोई मसला हुआ तो हल हो जाएगा। और कोई भी फिर भी कंफ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फीडबैक देते रहे ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कुछ कमी रहेगी तो उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।